बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आज शायद सभी लोग जानते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या समस्या है, आपके बिन बोले ही बाबा जान जाते हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मन की बात बताने का जो ड्रामा जो ढोंग रचे हुए हैं उसका खुलासा करने से पहले चलिए हम एक मीडिया में जो खबर चल रही है वह खबर हम आपको दिखाएंगे कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम मानव ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्या चुनौती दी है और डॉक्टर श्याम मानव ने क्या कुछ कहा है उसका एक खबर हम आपको मीडिया के में जो प्रचारित हुई है वह हम आपको दिखाएंगे। आपने जानबूझकर हिंदू धर्म को सनातन धर्म को टारगेट किया है, आपका इस पर क्या जवाब है? और इसी का जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि क्या श्याम मानव ने आज तक धर्मांतरण कराने वाले या अंधविश्वास भूत प्रेत भगाने का दावा करने वाले किसी पादरी किसी मौलवी पर FIR दर्ज कराई है? दोनों प्रश्नों से आपका जवाब सर। जी, पहली बात ऐसी है कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ, सनातनी हिंदू कहता हूँ। सनातनी धर्म परंपरा में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को स्थान है। भगवान को न मानने वाले लेकिन विदों को मानने वाले सांख्य परंपरा भी दर्शन है, चार्वाक दर्शन भी है, लोकायत दर्शन भी है जिसको नास्तिक दर्शन कहते हैं, और ये सभी सनातन धर्म परंपरा के हिस्से हैं। नागपुर में 40 सालों से हम काम कर रहे हैं, RSS का मुख्यालय नागपुर में है, और मैंने जब महाराज का रामकथा का आयोजन नागपुर में हुआ उसका स्वागत ही किया है। केवल उनके दिव्य दरबार में वो दो बातें करते हैं, चमत्कारों का दावा करते हैं, दिव्य शक्ति उनमें होती है, उसके लिए चैलेंज किया है। और महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून जिसका हर शब्द मैंने फाइनल किया, उस कानून के तहत चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर ठगी करना ये कानूनन अपराध है, ठीक है। साथ में उन्होंने अपने दरबार में भूत बताए, इतना ही नहीं तो किसी ने टोटका किया, करनी की जादू टोना किया ऐसा कहा है, वो भी कानूनन अपराध है। तो एक तरफ कानून के जरिए उन पर कंप्लेंट दायर करने की कोशिश की गई है और दूसरी तरफ उनके इस दिव्य शक्ति को चुनौती दी। अभी दूसरे उसका आपके सवाल का जवाब भी मैं दे देता रहूं, इतने सालों से काम करते वक्त हम कभी भी किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, केवल हिंदू नहीं बाकी किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जो ठगी करते हैं उनको हम अंदर जेल भेजने की कोशिश करते हैं। नागपुर में पहली बार 5 मिशनरीज को हमने जेल में भेजा, उसमें 4 फॉरेनर्स थे, एक भारतीय था सतीश राय बोर्डे। उन्होंने चमत्कार का दावा किया था कि अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, और दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 मिशनरीज भारत की जेल में गए, नागपुर के गए। हमने शिवाजी पार्क दादर में मॉरिस सेरिल्लो, ये भी अमेरिकन पादरी था, मिशनरी था, उसका 3 दिन का दरबार लग रहा था। दूसरे दिन हमने कंप्लेंट की, पुलिस नहीं मानने के लिए तैयार हुई थी, हाईकोर्ट को मूव किया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया तुरंत इसको अरेस्ट करने के, और रात को उसको ना मुंबई छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। अच्छा। तीसरे दिन 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और मॉरिस सेरिल्लो गायब था। तो ये काम हमेशा करते आए हैं, लेकिन 2013 में नागपुर में जो जादू टोना विरोधी कानून बना है उसके बाद में ये काम करना नहीं होता है। पुलिस से मुझे फोन आते हैं क्योंकि मैंने पूरे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग किया है, मैं उनको सलाह देता हूँ। इसके तहत भी कई मिशनरी अंदर गए हैं। रहा सवाल मुस्लिम धर्मों का, तो मुस्लिम धर्मों के करीबन 100 लोगों को, करीबन कम से कम 100, जिन पर हमने FIR दर्ज कर इसी कानून के तहत, या पहले जो जादू टोना विरोधी कानून नहीं था लेकिन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 था, या फिर ठगी के कानून के तहत जेल के अंदर इतने 40 सालों में किए हैं। अब जो प्रमाण हमारी संख्या का है वही प्रमाण हमारे एक्सपोजर में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल आपसे श्याम मानव जी, और वो सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं उनका क्या, क्योंकि आपने अब तो काफी दिन हो गए FIR को, रोज बहसें चल रही हैं टीवी पर, गली चौराहे पर लोग बातचीत कर रहे हैं, इसी बहाने धीरेन्द्र शास्त्री को देखने वालों की संख्या अपार बढ़ गई है, वो लोग आज भी पहुंच रहे हैं, आप उनकी आस्था को छू नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो और एकजुट होकर
विरोध कर रहे हैं कि ये जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान है। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? नहीं, सही बात है, लोगों का ये कहना जो है, उनकी भावनाएं जो आहत हुई है, क्योंकि मैं भी एक जमाने में भक्त था, इसलिए मैं इन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ। महाराष्ट्र में जो जनजागरण हुआ वो मुझे करना आसान इसलिए था कि यहाँ महाराष्ट्र में एक संत परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर से लेकर संत गाड़गे महाराज तक, और दूसरी तरफ शाहू फुले अंबेडकर जी की एक सामाजिक सुधारणा की परंपरा है, इसलिए महाराष्ट्र में काफी पहले से जनजागरण था, इसलिए मेरा काम आसान था और ये सब बातें मैं महाराष्ट्र में ताकत से लोगों तक पहुंचा पाया। बाहर प्रांतों में ये पहुंचाना बहुत कठिन है, इसकी मुझे कल्पना है, लेकिन इस बहाने पूरे भारत में पहली बार चमत्कार है नहीं है इसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, अगला सवाल। में चमत्कार होते है कि नहीं चर्चा हो रही है। अगला सवाल, आपने कहा कि आप भी पहले पूजा पाठ करते थे, आप भी ऐसे गुरुओं के पास जाते थे, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्याम मानव का नजरिया बदला? एक तो पहले मैं बहुत ही अंधविश्वासी था, लेकिन दूसरी तरफ विनोबा भावे जो भूदान यज्ञ चलाते थे उनके साथ में मैं रहा हूँ, तो वो बहुत ही अंधविश्वास के खिलाफ थे, उनके जीवन में कोई अंधविश्वास नहीं था, ये देखने को मिलता था। फिर मैं जयप्रकाश नारायण के संगठन से जुड़ा, तो हमें आचार्य दादा धर्माधिकारी हमारे प्रशिक्षक मिले, वो बहुत ही रैशनल बातें करते थे, इसमें लिए काफी मेरा रैशनल एटीट्यूड तैयार हो गया था। लेकिन मुझे कई सवालों का जवाब नहीं मिला था। किर्लोस्कर पुणे में मैं नौकरी के लिए गया, वहां पर मेरा ये रैशनल विचारों से परिचय हुआ, मुझे हर सवाल का जवाब मिला। दसवीं क्लास में मैं पढ़ रहा था तब मुझे भूत लगा था और मांत्रिक ने उतारा था, इसका जवाब मिला। चमत्कार क्या होते हैं इसका जवाब मिला। हमारी जो अनुभूतियां होती है जिसको हम आध्यात्मिक अनुभूतियां कहते हैं वो क्या होता है इसका जवाब मिला। हाँ। और उसमें परिवर्तन हुआ। आखिरी सवाल, इसमें काफी का हिस्सा है। आखिरी सवाल, आप क्या उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आखिरी सवाल है, आपको क्या लग रहा है कि क्या कार्रवाई हो इस बाबा के खिलाफ? पहली तो बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में ये कानून जो है नॉन अवेलेबल है, कॉग्निजिबल है, बहुत ही कड़ा कानून है, 5-6 माह से लेकर 7 साल के सजा का उसमें प्रावधान है, और ये कानून सभी पार्टियों के सहमति से बना है। हमारे गृह मंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, वो इस कानून की सभी बारीकियों को जानते हैं, इसके बावजूद इसके कानून के तहत क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? एक महाराष्ट्र कमेटी का मैं सहअध्यक्ष होने के नाते मैं ये चीजें पहले समझ लूंगा, जान लूंगा, उनकी क्या दिक्कत है ये भी समझ लूंगा, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई के बारे में बहुत सोचूंगा। रहा सवाल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का, उनका जाहिर आह्वान है, आज का नहीं है, गए 40 सालों से है, अभी वो 30 लाख रुपए का है, कोई पैसे लेना चाहे ना लेने चाहे अपनी बात सिद्ध करे, अगर दिव्य शक्ति महाराज सिद्ध करते तो सबसे बड़ा फायदा हमारे देश की सुरक्षा को मिलेगा। आपको बुलाया था, आप गए ही नहीं वहां पर, वो तो आपको बुला रहे थे श्याम मानव जी, वो कह रहे हैं लाइव टीवी पर आज तक सही कहा उन्होंने कि आप गए ही नहीं, आप भाग खड़े हुए, ये कहा उन्होंने? अभी ये वो कह सकते हैं क्योंकि वो जो जिस ढंग के उपयोग करते हैं उनकी छूट वहां उनको खुली मिलती है। ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर चुनौती होगी। आप जानती हो, मैं जानता हूं कि आजकल हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर है कि आपका चेहरा पता चल जाए तो 1 मिनट के अंदर सभी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए उनको यहां आकर ये चुनौती सिद्ध करनी पड़ेगी। आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है क्या जी? आप सीधा किसी का फोटो ले लीजिए, आप सीधे उनके कई जानकारी प्राप्त कर सकते हो, नाम टाइप कर लीजिए गूगल पर, आपको कई रिसर्च मिल जाएंगे, मेरा नाम टाइप कर दीजिए ना, आपको सबकी सब जानकारी मिल जाएंगी, आपका नाम मैं टाइप कर दूं तो भी मिल जाएगी। ये खबर आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। एक रेशनलिस्ट होने के नाते, एक तर्कवादी होने के नाते, एक युक्तिवादी होने के नाते, मैं भी बाबा यानी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पोल खोल करने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं संतोष शर्मा, भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रेशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। यह युक्तिवादी समिति यानी रेशनलिस्ट एसोसिएशन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। मैं संतोष शर्मा, भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूँ। अगर बाबा ने निष्पक्ष रूप से निष्पक्ष स्थल पर अगर अपने अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति या चमत्कारी शक्ति का प्रमाण दे दिया तो उन्हें भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यह चुनौती या चैलेंज का मुकाबला कोलकाता प्रेस क्लब में होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी
महानगर कोलकाता में स्थित कोलकाता प्रेस क्लब में यह चुनौती का मुकाबला होगा। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती देना चाहूंगा और इसके साथ ही यह भी कहूंगा कि क्या बाबा चुनौती का सामना करेंगे।